नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। इसमें आप देखेंगे नाथद्वारा से देवगढ़ आमान परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी, लगभग 800 मीटर से भी ज़्यादा लंबाई का ब्रॉडगेज का नया ब्रिज तैयार किया जा रहा है बनास नदी पर। बावन कोटा ब्रिज इसे पुराने समय से कहा जाता आ रहा है। जो मीटर गेज का ब्रिज था उसमें 52 पिलर प्रमुख तौर पर थे। अब उस मीटर गेज ब्रिज के स्थान पर नया ब्रॉड गेज का ब्रिज बनाया जा रहा है। हालांकि जो मीटर गेज का ब्रिज है वह तोड़ा नहीं गया, पीछे आप बैकग्राउंड में उसको भी देख सकते हैं। ब्रिज जो हमारा नया बनाया जा रहा है 25 पिलर वाला लगभग यह ब्रिज है, जिस पर कि कुल 48 गर्डरों में से 4 गर्डरें रख दी गई हैं। करीब 44 गर्डरें रखी जानी है कुल मिलाकर। और जैसा कि दिव्यांश जी, जिनके द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट हमें प्राप्त हुई है, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा कार्य है। अभी फ़िलहाल में मान सकते हैं प्रतिदिन 2 गर्डरें रखे जाने का कार्य चल रहा है, तो उसको मिलाकर करीब 20 दिन इस पूरे कार्य में लग सकते हैं। और काफ़ी जटिल कार्य भी है यह, काफ़ी वजनीय यह गर्डरें हैं जिनको 2 बड़ी क्रेनों की सहायता से उठाया जाता है। और धीरे धीरे यह आगे जो इनका बेस बनाया गया है उस पर टिकाई जाती है। अलाइनमेंट का भी इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज़रा सा भी आगे पीछे यह अलाइनमेंट होता है जो मानक है उनके अनुसार, तो यह पूरा कार्य डबल से इनको गर्डर को उठाकर वापस से सेट करना पड़ता है। इसमें कई मजदूर भी यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। आगे आप देखिए गर्डर किस तरह से सावधानी पूर्वक जो बेस बनाए गए हैं उन पर टिकाई जा रही। दिव्यांश जी का हम हमारे चैनल की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।